एमपीएल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में जिनकी ज़मीनें गई हैं उनको बतौर मुआवजा एक्सग्रेसिया पेमेंट हम लोग आरएनआर के तहत मुआवजा के तौर पर भुगतान करते हैं 2,25,000 रुपये। मेरा नाम रंजित महतो पोदाडी गाँव से है, मेरा रेलवे लाइन में ज़मीन गया है इसलिए एमपीएल ने मुझे ये 2,25,000 का भुगतान किया। ऐसा सभी जितने भी हमारे लैंड यूजर हैं जिनकी भी ज़मीनें हमारे प्लांट में प्रोजेक्ट के लिए गई है उनको हम लोग इस तरह का चेक देते हैं। पैसा मिलने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है और इस पैसा का सही उपयोग करेंगे, कुछ काम में भी लगाएंगे, कुछ फिक्स भी करेंगे। ये जो सिनोस्फीयर है ये हम लोग साखते हैं, जो पानी में तैरता है, साखने के बाद किसी पार्टी से डील करते हैं और फिर बेच देते हैं। ये जो एस्पॉन्ड है, एस्पॉन्ड एस का मतलब होता है चाय, जो एमपीएल से आता है, एमपीएल मतलब कोयला का राख जो आता है वो पाइप के द्वारा आता है और पाइप के द्वारा यही एस्पॉन्ड में जमा होता है। और जिस तरह से हम लोग सुनने में आया है कि इसका कार्य ब्रिक बनाने में किया जाता है प्लस हवा जहाज के पेंटिंग में किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि हम लोग एमपीएल से इस सिनोस्फीयर को खरीदते हैं 11.40 रुपया पर केजी। Programs on livelihood for rural wealth, we call that Samriddhi. So this is basically the employability training which we have in association with TCS Calcutta. Till date, we have placed 33 in the roles of TCS. Apart from the others who have got jobs in some other IT company. 5 साल से डिप्टी कर रहे हैं यहाँ पर। हम गेट में अगर मेरा डिप्टी पड़ता है तो हमको गेट पास चेक करना पड़ता है, फिर जूता हेलमेट से कुछ देखना पड़ता है, फिर कोई अंदर से कोई माल ले जाता है तो उसको भी देखना पड़ता है। अच्छा अब जिंदगी अब अच्छा, पहले नहीं था और जब से अब काम कर रहे हैं तो अच्छा ही। मेरा नाम है मीठू सिंह, हम यहाँ हाईवा चलाने आते हैं। हम आते हैं यहाँ 8 बजे, गाड़ी थोड़ा कुछ पछते इधर उधर काम जितना गाड़ी में रहते, उसके बाद गाड़ी मतलब चलता है 8 बजे से, 8 बजे से एकदम 7 बजे, रात 7 बजे तक चलता है। पहले तो हम खलासी कर रहे थे, खलासी करते करते 1.5 साल हुआ है गाड़ी पकड़ने के लिए, पकड़ा है 1.5 साल में, अभी तक चला रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद नसीबुल काजी, मेरा गांव है पंडरा। जब एमपीएल नहीं आया था उससे पहले हम लेत दुकान में काम करते थे। अभी तो सर हम लोग सिक्योरिटी में हैं, विजिलेंस का काम करते हैं। जैसे खुदिया से लेकर सर हमारे एमपीएल तक कुछ भी घटना हो उसके बारे में हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर को जानकारी देते हैं। उसके बाद हम जिस कंपनी में काम करते हैं उन पदाधिकारी को जानकारी देते हैं। सर एमपीएल आने के बाद हमारा क्षेत्रीय जो निशा विधानसभा में अच्छा डेवलप किया है, जैसे स्वास्थ्य का हो या पानी में हो, मेडिकल में हो, अच्छा से डेवलप किया कर रहा है सर गाँव-गाँव में जाकर, जिसमें मेरा घर में लगभग 3 से 4 आदमी काम करते हैं एमपीएल में। ये हमारा फ़ायदा है बहुत अच्छा सर। प्रोजेक्ट लगने के बाद भी सर हमारा लोकल में इतना फ़ायदा हुआ कि सर क्या बताएं, वो जितना बताएं वो भी कम है।